हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको पीलो कवर पेंट करना बताऊंगी, जो दो कलर शेड में है। और ये शेड ऐसा है कि एक कलर का पहले हम बेस देते हैं, फिर दूसरे कलर से करते हैं। तो देखिए, ऑलरेडी मैंने कुछ कलर रखा है आपको दिखाने के लिए। तो हम जिस भी कलर में करते हैं, जैसा भी शेड देते हैं, तो उसमें से एक कलर का पहले से हम बेस दे देते हैं, ये हम पूरा कर देते हैं। और इसे जब सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर शेड देते हैं। तो इसलिए हमने पहले से कर लिया है कि सूखने में टाइम लगेगा, तो आप लोगों को बताना है। तो इसलिए मैंने देखिए येलो का और ब्राउन का एक शेड है, और एक पर्पल और वाइट का शेड रहेगा, और ये ब्लू और वाइट का रहेगा। तो सबसे पहले हम चलिए इसको करके बताते हैं, ब्राउन का और वाइट का। तो येलो कलर मैंने पहले से कर लिया है, जिससे हमारा सूख चुका है। और इस कलर आप किसी भी कलर में कर सकती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे आप रेड और वाइट का भी कर सकती हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक कलर से कर लेते हैं, जब वो सूख जाएगा तब उसके ऊपर हम थोड़ा पतला ब्रश रहेगा। इसके लिए देखिए मैंने दो नंबर का ब्रश लिया हुआ है, तो इसे हम दो नंबर ब्रश से करेंगे। पहले आउटलाइन करेंगे, इससे आउटलाइन बहुत ज़्यादा इसकी पहले मोटी नहीं करेंगे, हल्की हल्के हाथों से इसको आउटलाइन इस तरह करेंगे, इस तरह थोड़ा सा कलर लेकर। आउटलाइन करने के बाद बिल्कुल ब्रश को ऐसे सीधा रख के नीचे की तरफ खींचते हुए लाएंगे, इसका शेड देंगे, इस तरह खींचते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, देखिए इधर। और जब भी हम शेड देते हैं तो मिडिल से देना चाहिए, मिडिल से जब हम शेड देंगे तो ज़्यादा अच्छा शेड आता है। देखिए इस तरह करते हुए नीचे की तरफ लाए, कितने आसानी से हो गया ये। और जब ये शेड दे दे तो फिर थोड़ा सा ब्रश में और कलर लगाते हैं। कलर लगाने के बाद इसे हम ऊपर से मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा शेड मिक्स आएगा, अलग नहीं लगेगा। और ये बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ही आसानी से। ये बिगनर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, अगर कोई बिगनर है तो उनके लिए शेड बहुत इजी है, वो आसानी से कर लेगा। देखिए इस तरह एक, देखिए चार पेंटिंग हमने कंप्लीट कर ली है, ये लास्ट बची हुई है। इस तरह आउटलाइन करते हैं, अगर ब्रश में कलर ज़्यादा लग जाए तो उसे हम जो वेस्ट कपड़ा रखे रहते हैं उसमें पोंछ लेंगे। इसे बार बार वॉश नहीं करेंगे, वॉश करने से कलर गीला हो जाएगा और फैल जाएगा जब आप करेंगे। अब इसे करने के बाद हम यहाँ मिडिल से इस तरह खींचते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। ये दो कलर का शेड बहुत अच्छा लगता है, एक बेस का देखे, दूसरा उस पर शेड दे, कुछ भी आप बना सकती हैं। देखिए इस तरह, फिर उसको ब्रश में थोड़ा सा कलर और लगाएंगे। लगाने के बाद इसे हम यूँ करके मिक्स कर देंगे आउटलाइन करके। देखिए ब्राउन और वाइट, ब्राउन और येलो का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह। बिगनर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है, इजी शेड है। थोड़ी सी आप बस ध्यान दीजिए आपका, ये देखिए कंप्लीट हो चुका है ये फ्लावर। अब मिडिल में इस जो ये वाला सेशन है, मिडिल वाला, ये इसको हम सिर्फ ऐसे ही आउटलाइन कर देंगे। आउटलाइन करने के बाद मिडिल में इस तरह येलो कलर से छोटा सा ऐसे पॉइंट टाइप का बना देंगे, जिसे और अच्छा लगेगा, इस तरह। देखिए देखिए ऐसा करते हुए हो चुका है। अब दूसरा करेंगे, जो वाइट और पर्पल में शेड देंगे इसका। देखिए एक मैंने ऑलरेडी दे रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। इस पे पहले हम वाइट का बेस करते हैं। वाइट का बेस करने के बाद जब ये सूख जाएगा तब इसके ऊपर शेड देंगे। सूखने के बाद इसे हम देखिए पर्पल कलर से आउटलाइन करेंगे। पहले आप किसी भी कलर में दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। हम इसमें पर्पल का इस तरह आउटलाइन करेंगे। देखिए आउटलाइन करने के बाद मिडिल से इस तरह खींचते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। कलर ज़्यादा नहीं लेंगे जब हम शेड देंगे, हल्का हल्के हल्के हाथों से हल्का कलर लगा रहेगा ब्रश में, और उसे नीचे की तरफ ऐसे शेड देते हुए लाएंगे। जब हम शेड दे देंगे, शेड कंप्लीट होने के बाद ये, तब हम कलर ब्रश में और लगाते हैं थोड़ा सा, और उसे आउटलाइन करके इसे यूँ ऐसे 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 इसको मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा शेड मिक्स लगे, पता ना चले। इस तरह देखिए, इस तरह थोड़ा सा कलर ज़्यादा लेंगे ब्रश में करने के बाद, ऐसे ऐसे इसको मिक्स कर देंगे। देखिए और ये इस तरह से खींचते हुए नीचे की तरफ लाएंगे,
देखिए ये भी तैयार हो गई, पर्पल और वाइट का शेड है। देखिए अभी अब नेक्स्ट पेटल पे चलते हैं, एक और बची हुई है, इसको भी सबसे पहले हम आउटलाइन करेंगे। और आउटलाइन करने के लिए कलर ज़्यादा नहीं लेंगे, हल्का कलर रहेगा, हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए आएंगे इस तरह। ज़्यादा लेंगे तो शेड अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा सा लेंगे कलर ब्रश में, और जब शेड देंगे तो ब्रश को बिल्कुल खड़ा रखेंगे। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से पेंटिंग सीख जाएंगे। देखिए यूँ खड़ा रख के ऐसे नीचे की तरफ खींचते हुए लाइनिंग को लाएंगे। देखिए ऐसे ब्रश को ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, हल्के हाथों से खींचेंगे तो शेड और अच्छा आएगा। जब शेड कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा कलर ज़्यादा लेके उसे आउटलाइन करते हैं। आउटलाइन करने के बाद उसे कलर को मिक्स कर देंगे इस तरह। देखिए मिक्स करने से इतना अच्छा लग रहा है। देखिए देखिए ये भी कंप्लीट हो चुकी है इस तरह। जब ब्रश में ज़्यादा लग जाए शेड देते वक्त तो हम उसे वॉश नहीं करेंगे, उसे जो कपड़ा रखे रहते हैं वेस्ट उसमें साफ़ कर लेंगे इस तरह। ये भी पिटल कंप्लीट हो चुकी है। देखिए करने के लिए भी सबसे पहले हम आउटलाइन करेंगे ब्लू कलर से। देखिए इस तरह आउटलाइन करते हैं। अब किसी भी कलर से, देखिए ऑरेंज और वाइट का देंगे तो भी अच्छा लगेगा, जैसा भी आप देना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो उस कलर से आप शेड दीजिए, बहुत खूबसूरत लगेगा ये शेड। फ्रेंड्स अगर अच्छी लग रही है पेंटिंग तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुँचे। इस तरह मिडिल से खींचते हुए लाएंगे, हल्के हाथों से, हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए लाएंगे शेड। थोड़ा सा देखिए मेरा कलर शेड अच्छा नहीं आ रहा, हल्का हो गया, हमने और कलर लिया। अब इस तरह ऐसे खींचते हुए ऐसे छोटी छोटी लाइनें, फिर इसको ऐसे मिक्स कर देंगे इस तरह। देखिए अब थोड़ा सा कलर और लेंगे, लेने के बाद उसे मिक्स कर देंगे इस तरह। देखिए जब हम ब्रश में कलर लेंगे तो ऐसे थोड़ा सा पहले आउटलाइन कर लेंगे और उसी से खींचते हुए लाएंगे, जहाँ आउटलाइन करेंगे जिससे मिक्स आएगा आपका शेड। जो भी आप देंगे, जिस भी कलर में आप देंगे वो मिक्स आएगा, अलग नहीं लगेगा। देखिए इस तरह ये कंप्लीट हो चुका। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये शेड ब्लू और वाइट का। नए नए शेड पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपको मेरे चैनल के थ्रू अच्छी से अच्छी पेंटिंग सीख जाएंगी। इस तरह कंप्लीट हो चुका ये भी पेटल्स, एक और बचे हैं, ये लास्ट है, इसके बाद हम लीव्स करेंगे। कंप्लीट हो चुका है ये भी, और मिडिल में हम इसको जिस तरह इसे आउटलाइन किए हैं ऐसे आउटलाइन करेंगे और बीच में छोटा सा पॉइंट रख देंगे। देखिए कितना खूबसूरत बन के आया फ्लावर। दो कलर का शेड, एक कलर का हम बेस देते हैं और दूसरे कलर से शेड देते हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो आप उस कलर से दीजिए। मैंने एक पर्पल दिया, एक येलो का दिया, एक ब्लू का दिया। अब हम लिप्स करते हैं। लिप्स को हम दो कलर से शेड देंगे, येलो और ग्रीन का शेड देंगे। तो इसको सबसे पहले हम आउटलाइन करते हैं ग्रीन का। देखिए इस तरह, और इस तरह इसको कलर को मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा कलर ज़्यादा लेंगे मिक्स करने के लिए। देखिए इस तरह करने के बाद हम इसे कपड़े में ब्रश को पोंछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम येलो कलर लेंगे और नीचे की बॉटम साइड येलो कलर लगाएंगे, और इस तरह फिर येलो कलर से शेड दे देंगे मिक्स करते हुए। जब हम शेड देंगे तो ऐसे जो इस तरह, देखिए इस तरह करते हुए इस तरह ऐसे खींचते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, थोड़ा ग्रीन थोड़ा येलो ऐसे आएगा शेड। देखिए थोड़ा सा ग्रीन ही है, थोड़ा सा येलो है, इस तरह शेड आएगा नीचे की तरफ येलो। अब जब हम दूसरी लिप्स को करते हैं तो देखिए फ्रेंड, इधर ग्रीन कलर है तो इसके इस साइड पे हम येलो कलर देंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन की आउटलाइन करते हैं, ग्रीन की इस तरह,
और मिक्स बीच में मिक्स करने के लिए कलर हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। इस तरह हम मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स करने के बाद फिर हम ब्रश को साफ़ करते हैं कपड़े में, फिर हम येलो कलर लेंगे। येलो कलर से इस तरह आउटलाइनिंग करेंगे और इसमें कलर थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। जैसी पत्ती रहे चौड़ी पतली उसके अकॉर्डिंग हम कलर लेते हैं। लेने के बाद फिर ग्रीन कलर पे मिक्स करते हुए आएंगे। देखिए ऐसे इस तरह, देखिए ऐसे 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 इसको मिक्स कर देंगे जिससे अलग ना लगे कलर। और इस तरह देखिए, देखिए कहीं ग्रीन कहीं येलो टीशर्ट इस तरह आएगा, कहीं ग्रीन आएगा कहीं येलो आएगा। तो डाल को करने के लिए यहाँ से ऐसे रखेंगे और खींचते हुए नीचे की, ना बहुत ज़्यादा मोटी बनाएंगे ना बहुत पतली। देखिए ऐसे खींचते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे, यहाँ तक है। देखिए पतली डाल बनानी है हमें, ज़्यादा मोटी नहीं करनी है, तो ब्रश को बिल्कुल खड़ा रखेंगे। देखिए यहाँ पे है और दूसरे, यहाँ से डाल निकालेंगे इस तरह, न बहुत ज़्यादा मोटी करेंगे न बहुत ज़्यादा पतली। देखिए इस तरह ये राउंड करते हुए नीचे की तरफ इसमें ले आएंगे। देखिए इस तरह थोड़ी सी घुमावदार इसकी डाल है। देखिए हमने लीव्स को ग्रीन और येलो में दिया शेड। देखिए फ्रेंड्स देखकर बताइए कैसी लगी पेंटिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक्स करिएगा। प्लीज़ इसे दूसरों तक भी शेयर करिए जिससे और लोग भी पेंटिंग सीख सकें।